व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज थ्रू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास है आज तक की फायरबोल्ट की सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच, जिसका नेम है फायरबोल्ट रॉयल लक्स एडिशन कॉलिंग स्मार्ट वॉच। और गाइस, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में अनलिमिटेड फीचर्स मिलने वाले, लाइक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलने वाला है, मल्टीपल स्पॉट्स मोड एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलने वाली है, साथ में आपको कॉलिंग का भी फीचर मिलने वाला है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में TWS कनेक्टिविटी मिलने वाली है, इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, प्लस आपको मोशन सेंसिंग गेमिंग मिलने वाला है, जो बहुत ही कूल फीचर है। सो गाइस, आज हम इस स्मार्ट वॉच का पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले, सारे फीचर्स को वन बाय वन टेस्ट करने वाले, जिससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं प्राइस के बारे में। अभी स्मार्ट वॉच की लॉन्च प्राइस है ओनली 5000 रुपीज, बट ये प्राइस बाद में इंक्रीज होकर 6000 होने वाली है। सो गाइस, आपको वीडियो को देखने के बाद स्मार्ट वॉच को परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से सीधा परचेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और गाइस, आप सबके लिए सरप्राइज है, मेरे पास इस टाइप की दो स्मार्ट वॉच है और मैं दोनों स्मार्ट वॉच का गिव अवे करने वाला हूं। उस पर पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको स्मार्ट वॉच क्यों चाहिए। और गाइस, जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगी, मैं विनर का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सो मेक श्योर करना और गिव अवे पार्ट ना मत। सो गाइस, अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली यहाँ पे आप देख सकते हो, पैकेजिंग आपको बहुत ही सुपर मिलती है, पूरी आपको प्लास्टिक कोटिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलने वाला है, जिससे आप स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे। यहाँ पे आपको इस टाइप का टूल मिलने वाला है, आप इस टूल की ऐप से स्टेप साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, जो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और गाइस, लास्ट में आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 1 साल की वारंटी मिलती है और आपको मिलता है यूजर मैनुअल, जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में राउंड शेप में डायल मिलने वाला है और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिटिंग आपको बहुत ही सुपर मिलती है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को आराम से ऑलरेडी पहन के रख सकते हो, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेफिनेटली नोटिस करोगे फिनिशिंग आपको बहुत ही सुपर मिलने वाली है। यहाँ पे पूरी आपको डायमंड कट फिनिशिंग मिलने वाली है और मटेरियल कोटे को बहुत ही हाई एंड मिलने वाली है। सो आपको स्मार्ट वॉच में बहुत ही प्रीमियम लुक एंड फील मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिशनल लुक वाली स्मार्ट वॉच लाइक रोलेक्स राडो टी शर्ट पसंद है, यहाँ पे आपको सेम प्रीमियम लुक मिलने वाला है। साथ में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद है, यहाँ पे वो भी आपको मिलने वाली है। सो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में ट्रेडिशनल लुक के साथ आपको बहुत ही सुपर टेक्नोलॉजी का ब्लेंड मिलने वाला है, उस कंडीशन में आप स्मार्ट वॉच का 100% परचेस कर सकते हो। अभी तो मैंने टी शर्ट पहनी है, अगर मैं फॉर्मल्स पहनता हूँ तो आपको सबसे बेस्ट लुक मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम एंड रिच मिलता है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को फॉर्मल्स के ऊपर पहन सकते हो, ऑफिस में पहन के जा सकते हो, फंक्शन में पहन सकते हो और आप शादी में भी पहन के जा सकते हो, आपको बहुत ही सुपर एंड आई कैची लुक मिल जाएगा। बात करते हैं मटेरियल क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में पूरी आपको मेटल की बॉडी मिलती है, पीछे भी आपको मेटल बैक मिलने वाला है और आपको 22mm के मेटल स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही सुपर है, आप इस स्ट्रैप को इस तरह से बहुत ही इजीली रिमूव एंड फिशअप अटैच कर पाओगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच की राइट साइड में 3 बटन मिलते हैं और आपको लेफ्ट साइड में माइक मिल जाएगा और आपको बैक साइड में सारे सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। एडिशनली स्मार्ट वॉच में IP67 वाटरप्रूफ फिटिंग मिलने वाला है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को आउटडोर कंडीशन में बारिश के टाइम यूज कर सकते हो, शाम के टाइम यूज कर सकते हो, तब इस स्मार्ट वॉच को अंडर वाटर यूज मत करना वरना आपकी स्मार्ट वॉच खराब हो सकती है। और गाइस, यहां पे कोई स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलने वाला है। जैसे आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो इस तरह से स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको अपने फोन में FB इनविजिबल प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो को एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे सर्च डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच आ जाएगी, सिंपल आपको क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे कॉन्फिग के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से और गाइस बहुत ही फास्ट स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे भी सिंक्रोनाइज हो रही है, सो आप इस तरह से बहुत ही फास्ट कनेक्ट कर पाओगे। और गाइस, किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे आपको बहुत ही सुपर डिस्प्ले मिलने वाली है, आपको स्मार्ट वॉच में 1.4 इंच AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें 466x466 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेजल्स आपको बहुत ही मिनिमल मिलते हैं, पूरा आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले आपको बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट मिलता है, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है, डिस्प्ले आपको बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट मिलता है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, सो बहुत ही इससे डिफरमेंट में नेविगेट कर पाओगे, डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप इस तरह से ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में मैक्सिमम 750 nits ब्राइटनेस मिलने वाली है, जो बहुत ही हाई ब्राइटनेस है। सो आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर
दोनों कंडीशन में यूज कर पाओगे। आप स्मार्ट वॉच को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस आपको स्मार्ट वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको मिलने वाला है। सो गाइस यहां पे आपको ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 डिस्प्ले मिल जाएगी। और गाइस नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 380 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 6 to 7 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो, अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज करते हो, कॉलिंग के साथ यूज करते हो, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिलने वाला है, बिकॉज आपको बैटरी साइज बहुत ही बड़ी मिलती है। सो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में बैटरी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस हमारे पास कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, सो हम स्मार्ट वॉच का लाइव माइक एंड स्पीकर टेस्ट करने वाले। सो हम लाइव कॉल डायल करने वाले, अभी स्मार्ट वॉच के वॉइस असिस्टेंट का यूज इस तरह से क्लिक करना, यहाँ से ऑन हो जाएगा। हे सीरी कॉल मम्मी। ओके यहाँ पे कॉल लग चुका है, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। हेलो, चाय बनी गई? हाँ तो आओ नीचे थोड़ी बार माओ। और मेरा बराबर आवा? सारा सब इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम काफ़ी को क्लियर एंड लाउड मिलने वाला है। सो आप इस स्मार्ट वॉच की ऐप से बहुत ही आराम से इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में कॉलिंग कर पाओ। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में मोशन सेंसिंग गेम भी मिलने वाला है, मैं आपको शो करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे को एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है मोटो सेंसर गेम, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मोशन सेंसिंग गेमिंग मिलने वाली है, सारे को गेम्स मिल जाएगी। यहाँ पे सुपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तरह से स्टार्ट द गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो गेम ऑन हो चुकी है, मैं यहाँ पे अपने फोन को प्लेस करता हूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पंच मार रहा हूँ, पूरा यहाँ से सेंस करेगा। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, सो आप इस तरह से गेमिंग कर पाओगे, जिससे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सेंसर बहुत ही परफेक्टली काम करता है। सो काफ़ी अच्छा आपको कूल फीचर भी मिल जाएगा। और गाइस अभी हम स्मार्ट वॉच को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, जो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको सबसे पहले चार्जिंग केबल को लेना है, आपको चार्जिंग केबल को यूएसबी पोर्ट को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, इससे से बहुत ही आराम से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना है और ये बहुत ही आराम से यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस टाइप का प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा, मीन्स आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको 30 PC में जाना है, यहाँ पे आपको लिखा मिलता है यूएसबी ड्राइव ऐप, इसका मतलब ये हमारी स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। यहाँ पे सो आपको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इस तरह से आपको म्यूजिक में जाना है और यहाँ पर सिंपली आपको इस तरह से कॉपी करना है। देखो कॉपी हो जाएगा, देखो कॉपी हो रहा है। सो बहुत ही सब सॉन्ग को ऐड कर पाओगे, जब काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जितने भी सॉन्ग को स्टोर किया है उसको एक्सेस करने के लिए आपको म्यूजिक कंट्रोल में जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे को क्लिक करना है, नेक्स्ट आपको लोकल मोड के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस आपको लिस्ट मिलने वाला है, यहाँ पे क्लिक कर लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे सॉन्ग्स मिलने वाले, सो आप सारे सॉन्ग्स को विदाउट स्मार्टफोन एंजॉय कर पाओगे। यहाँ से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। और गाइस आपको और एक फीचर मिलने वाला है, यहाँ पे आप ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट वॉच के साथ, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको TWS मोड के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से वो सर्चिंग स्टार्ट हो चुका है। और गाइस ये हमारा ईयरबड्स यहाँ पे आ चुका है, सिंपली वो क्लिक करना है इस तरह से और कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो आप इस तरह से बहुत ही इजीली ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर पाओगे। और गाइस मैं नोटिस किया है स्मार्ट वॉच का UI बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले और ये UI बहुत ही फास्ट चलता है। सो नेक्स्ट इमेज स्मार्ट वॉच का UI भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में वेकअप फीचर मिलने वाला है, जो बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। बस आप इस बटन को प्रेस कर इस तरह से स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको फंक्शनल क्राउन मिलने वाला है, सिंपली आप इस तरह से रोटेट करके स्मार्ट वॉच के वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, जो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 100+ वॉच फेस मिलने वाला है, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है, नेक्स्ट आपको डायल मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना इस तरह से। यहाँ पे आपको बहुत सारे डायल्स मिलने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको पूरा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट या कस्टम डायल, यहाँ पे आपको क्लिक करना इस तरह से, इससे पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा स्टाइल सिलेक्शन, यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आप टाइम पोजिशन अपर फंक्शन लोअर फंक्शन सब कुछ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्लिक करना ऐड बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से। सो गाइस आप अपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी फोटो को आप सिलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस की तरह यूज कर पाओगे, जब काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। और गाइस स्वाइप डाउन करते पूरा कंट्रोल सेटिंग ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे पूरी स्मार्ट वॉच को कंट्रोल कर पाओगे। और गाइस स्वाइप अप करते पूरा नोटिफिकेशन ओपन होने वाला है, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है, नेक्स्ट आपको मैसेज पुश के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे पूरा ऑन ऑफ कर पाओगे, इस तरह से पूरा कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ पे सारे को नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो इस तरह से। और गाइस स्वाइप लेफ्ट करते हैं, सबसे पहले मिलता है एक्टिविटी स्टेटस, नेक्स्ट आपको मिलता है HR, नेक्स्ट आपको मिलता है SPO2, नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट, नेक्स्ट आपको मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, नेक्स्ट आपको मिलता है कॉलिंग फंक्शन। और गाइस यहाँ पे आपको होम स्क्रीन आ जाएगी, जैसे आप स्वाइप राइट करते हो इस तरह से आपको सारे सेम फंक्शन मिलने वाले, तो काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो, आपको स्पॉट
मोड इस तरह से ऑन होने वाला है। यहाँ पे स्मार्ट वॉच में 300 प्लस पावर्स मोड मिलने वाला है जो काफी अच्छी बात है। अभी हम किसी मोड को ऑन करते, चलो ऑन करते रनिंग को, ऐसे आपका रनिंग ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो चुका है स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, डिस्टेंस स्पीड आपको मिलने वाली है, यहाँ पे आपको HBPM कैलोरी काउंट आपको मिलने वाला है। जैसे इससे स्वाइप करते हो आपका ये मोड ऑफ हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे। और अगर सब जैसे इस बटन को प्रेस करते आपका मेनू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे को सबसे पहले तो एक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पे को स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट, डिस्टेंस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है HR, यहाँ पे को SPO2 मिलने वाला है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकती हो जो काफ़ी एक्यूरेट है। यहाँ पे को स्लीम पोटिंग सिस्टम मिलने वाला है, स्पॉट्स फोन आपको मिलने वाला है, पूरे को स्पॉट हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और गाइस नेक्स्ट आपको मिलता है डायल पिन, ऐसा कॉलिंग कर सकते हो, मैं क्लिक करता हूँ आपको ऐसे डायल पिन ओपन हो जाएगा और कॉल डायल कर सकते हो इस तरह से, तो डायल हो चुका है। ऐसा कट भी कर सकते हो बहुत ही आराम से, मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन की आपसे कॉन्टैक्ट भी ऐड कर पाओगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट आपको मिलता है सेंड, यहाँ पे पूरे को कॉलिंग हिस्ट्री मिल जाएगी इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे को साइको नोटिफिकेशन मिलने वाली है, पूरे चेकआउट कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पे को कैलकुलेटर मिलने वाला है और गाइस बहुत ही सुपर फीचर रिकॉर्डर, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपका सारा साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं क्लिक करता हूँ। चलो सो गाइस आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और देखो आप सुन सकते हो सब पूरे से रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज मिलने वाली है, यहाँ पे को बहुत सारी गेम्स मिलने वाली है टाइम पास करने की, जिससे काफी अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अलार्म क्लॉक, यहाँ पे को स्टॉपवॉच मिलने वाली है, टाइमर मिलने वाला है, फ्लैशलाइट मिलने वाली है। नेक्स्ट आपको फाइंड डिवाइस में क्लिक करता हूँ इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपका फोन रिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो फोन को फाइंड कर पाओगे, देखो ऑफ हो जाएगा। सो काफी अच्छा ये भी फीचर, काफी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल, ऐसे कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है सेटिंग, में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे को सबसे बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली, मैं क्लिक करता हूँ। ऐसा क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है आइडियल क्लॉक, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ टाइम को पूरा चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ऑन सेटिंग, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑलवेज कर सकते हो या टाइम भी सेट कर पाओगे, लिखा है ऑलवेज ऑन टाइम, मैं क्लिक करता हूँ। यह सब ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हो या टाइम डिस्प्ले भी सिलेक्ट कर पाओगे, सब कुछ कस्टमाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है कॉल रिमाइंडर, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वाइब्रेशन ऑनली सिलेक्ट कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो, या तो सिंपली यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन दोनों आप सिलेक्ट कर पाओगे, तो कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, यहाँ से वाइब्रेशन स्ट्रेंथ को भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आप लेवल सेट कर सकते हो वाइब्रेशन का, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, अपनी दिखाई व्यू मोड मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे व्यू मोड भी आप चेंज कर सकते हो, पूरा मेनू स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है सेट लैंग्वेज, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चेंज कर पाओगे, यहाँ से आप D&D मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, पावर सिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट मिलता है लॉक स्क्रीन, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लॉक स्क्रीन कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा पाओगे इस तरह से, पासवर्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है USB बोर्ड, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप मास स्टोरेज और चार्जिंग में आप सिलेक्ट कर पाओगे इस तरह से, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको मिलता है अबाउट, यहाँ पे आपको वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा सिस्टम मेनू, ऐसे आप स्मार्टवॉच को शट डाउन, रिबूट एंड रीसेट कर सकते हो। सो गाइस काफी अच्छा कोई UI मिल जाएगा। सो गाइस सब आपको स्मार्टवॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपके पास बजट है, आपको न्यू स्मार्टवॉच परचेस करनी है, इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। आपको सारे फीचर्स मिलने वाले और गाइस लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम मिलने वाले। आप इस स्मार्टवॉच को परचेस करके बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, बहुत ही सुपर स्मार्टवॉच है। सो गाइस परचेस करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हो। और आपको वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं वीडियो में, बाय।